सत्ता का पावर सबसे बड़ा, कोई मिनिस्टर बड़ा नहीं होता। और इस सीट से हम लोग भी सबक लेते हैं और माननीय पूर्व मंत्री जी को भी सबक लेना चाहिए कि जो जनता के वोट से जीत करके लोकसभा विधानसभा जाते हैं और जनता की उपेक्षा करते हैं, जनता को हिकारत की नजर से देखते हैं, उनके हाथ का छुआ पानी नहीं पिएंगे, उनके हाथ का छुआ माला आप स्वीकार नहीं करेंगे, सम्मान का सम्मान वो दे रहे हैं, तो इसका नतीजा यही होता है। धन्यवाद। थोड़ा सा क्लोज होइए सर। देखिए इधर। थैंक यू सर। राइट भी ले लीजिए मैडम। मैडम सलवाड़ी नहीं मरा तो नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। पूरा यार लाल हो, लाल हो, लाल हो, लाल हो, कोई लाल हो, लाल हो, लाल हो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लाल किला पे लाल निशान, लाल किला, लाल निशान। लाल किला पे लाल निशान, लाल निशान, लाल निशान। सुधा में बरसात का लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। मैं सुधा में बरसात। और ये जीत जो है यहाँ के लाखों किसान मजदूरों की जीत है, यहाँ के दुकानदारों की जीत है, छात्र युवाओं की जीत है, जो पिछले 10 वर्षों से अपनी रोजी रोटी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, अपनी खेती को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने व्यवसाय को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, देश के संविधान और रोजगार बचाने के लिए युवा लड़ रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि ये लड़ाई यहाँ पर जीत की तरफ बढ़ रही, निर्णायक जीत की तरफ, और हम लोग जीतेंगे। और देश में भी जिस तरह से इंडिया गठबंधन की बढ़त है, हम लोग आशान्वित हैं कि अंतिम समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हम आशान्वित हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य का, कहा जाए कि वो आधार है रोजी रोजगार देने के लिए। फौज में जो 4 साल के लिए भर्ती आई है अग्निवीर योजना, उसको इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर ख़त्म किया जाएगा और पहले की तरह स्थायी भर्ती की जाएगी। एक करोड़ जो दावा करते थे काम करने का, उससे बेहतर काम करेंगे। बिल्कुल हम लोग करेंगे। काम तो दूर की बात है, पहले तो आदमी को अपना व्यवहार ठीक रखना चाहिए कि कोई आपसे बात करना चाहे, कोई आपको एक गिलास पानी पिलाना चाहे, कोई आपको एक माला डालना चाहे, कोई आपको एक दरख्वास्त देना चाहे, तो आप दूरी बना लेंगे तो इसका रिजल्ट तो यही होगा। मैं समझता हूँ आम लोग यही चाहते हैं, उन्होंने जिसको वोट दिया है वो उनके दुख दर्द में शामिल हो। वो माने वो हर किसी की आकांक्षा नहीं होती है कि उसका एमपी और एमएलए जो है सोना का महल बनवा दे, किसी की आकांक्षा नहीं है। बस यही आकांक्षा रहती है कि हमारे दुख दर्द में शामिल हो, हमसे मिले, हमसे हमको उपेक्षित नहीं रखे, और जो विकास की राशि है वो ससमय खर्च हो, माने प्राथमिकता के आधार पर, यही लोगों की रहती है। और मैं समझता हूँ कि दोनों मोर्चे पर ये पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। न तो इन्होंने विकास की राशि खर्च किया और न ही इन्होंने लोगों को गले लगाया। यहाँ की खेती पूर्णतः जो है बर्बादी के कगार पर है। सुन नहरें जिनके आधुनिकीकरण का वायदा था 2014 और 19 में, इनका बिल्कुल ही ये फेल्योर साबित हुए हैं। खेती ही हमारी जीविका का आधार है। और ज़िले के उत्तरी इलाके में जो है जो सरकारी नलकूप हैं जिनसे सिंचाई का माने साधन है खेती का, वो 80% बेकार पड़े हैं। हर मोर्चे पर ये विफल रहे हैं और इनके लोग जो है ढोल पीटते रहे कि विकास, विकास, विकास। तो विकास का मतलब क्या होता है आरा संसदीय क्षेत्र की जनता ने उनको बता दिया है। और इसके लिए पूरे ज़िले के लाखों युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, दुकानदारों को, माताओं बहनों को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं।